हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुधीर देव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्किड प्लांट लगाने का नया तरीका आप लोग को बताएंगे। जो ऑर्किड प्लांट होता है दोस्तों, एक लकड़ी में ही पेड़ में लगा होता है, तो हम चाहते हैं कि इसको एक लकड़ी में ही इसको लगाने की कोशिश हमने किया है, तो आज हम आप लोग को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने एक सूखा लकड़ी, एक आम का पेड़ था वहाँ पे, एक सूखा लकड़ी था, उसको हमने पहले काटा। ये पूरी तरीके से सूख चुका है और कुछ जगह में ये दीमक भी लग गया था, वो निकल चुका है। अब उसके लिए हम एक नीचे स्टैंड लगा रहे हैं ताकि ये जब स्टैंड करें तो ये गिरे मत, और कील से हमने इसको लगा दिया और ये बिल्कुल से अच्छा से स्टैंड हो चुका है। उसके बाद थोड़ा बहुत कार्विंग हम कर रहे हैं खोद के, थोड़ा सा होल कर रहे हैं। कहीं कहीं पे तो पहले से होल था, हमने और भी होल करके वहाँ पे खोद के होल बनाए हैं। और ये ऑर्किड का प्लांट है फ्रेंड्स, इसके लिए हमने नारियल का ऊपर का जो छिलका होता है उसको हमने लिया है और धीरे धीरे निकाल रहे हैं और इसके लिए तैयार कर रहे हैं। ऑर्किड प्लांट में मिट्टी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें नारियल का जो छिलका होता है वो रहता है कोकोपीट, और मॉस होता है, और बहुत सारे पेड़ के छिलके को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी बिल्कुल भी नहीं डालना होता है। और आप देख रहे हैं कि हम छोटा सा होल था उसमें नारियल का ये छिलका रखे और ऑर्किड प्लांट को हमने लगाया मॉस के साथ, और उसको तार से हमने बांध दिया है ताकि वो बाहर न निकले। और उसके बाद हम छोटे छोटे कोयला के टुकड़े भी डाल रहे हैं ताकि फंगस न लगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं ऊपर की ओर भी। जो छोटा सा होल था उसमें भी हमने दूसरे कलर का ऑर्किड प्लांट लगाया हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा कवर करने की ज़रूरत था, तो नारियल का जो हार्ड वाला हिस्सा होता है उसको हमने छील रहा है, और देखते हैं कि ये छीलने के बाद ये फिलअप हो पाता है कि नहीं। तो ये फिलअप होने के लिए तैयार है, इसके बाद हम इसको कील ठोक के लगा देंगे। और हम यहाँ पे कील ठोक रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे मॉस डालते बन जाएगा। इधर भी हमने कील पूरी तरीके से लगा दिया है, अब ये बिल्कुल भी मस्त मजबूत हो चुका है। अब धीरे धीरे हम इसमें जो भी मॉस था, कोयले का तो टुकड़ा था और नारियल का छोटे छोटे टुकड़े थे उसको डाला, और बहुत सारे लकड़ी का जो छिलका होता है उसको भी हमने इकट्ठा कर रखा था, तो सबका मिक्स करके हमने इसके लिए बनाया है। नीचे वाला ऑर्किड पर्पल कलर का था, ऊपर वाला पर्पल कलर का, येलो कलर का भी था इसमें, और आप देख रहे हैं कि नारियल का छिलका को हमने रखा है और सेटअप करने की कोशिश हम कर रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद हम ये जो नारियल का छिलका को और छील रहे हैं, और ऊपर वाला जो हार्ड वाला भाग होता है उसको रखेंगे ऊपर के ऊपर कवर करने के लिए, इसको हम बना रहे हैं। और देखिएगा कि ये जो कवर करने के लिए हमने बहुत सुंदर ढंग से बनाया है नारियल का छिलका को, और साथ में हमारे चाचा जी मदद कर रहे हैं। और तार से फिर हम उसको बांध रहे हैं।
और हमारे चाचा जी बहुत गार्डनिंग में मेरा मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, मैं सब मॉस धीरे धीरे पूरे तरीके से फिलअप कर रहा हूँ और इसको अच्छे से मॉइस्चर मिल जाएगा। अब ऊपर वाले हिस्से में भी हम दूसरा जो ये पर्पल कलर का ऑर्किड था उसको लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहुत बड़ा होल था, अब उस होल में भी हम डालेंगे, ये नारियल का छिलका डाल रहे हैं। अब पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये उसी के शेप में आ जाए। शेप देने के लिए हम बार बार इसको कट कर रहे हैं और जैसा उसको शेप में बैठाने की कोशिश किया जा रहा है और ये फाइनली अपना ये शेप में आ चुका है। अब उसके बाद हम तार में इसको फिर से बांध रहे हैं। पूरा काम हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद हम पर्याप्त पानी डाल रहे हैं इसको अच्छा से। उसके बाद हम इसको छाँव वाली जगह में रखेंगे, धूप वाली जगह हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमने छाँव वाली जगह पे रख लिया है जहाँ हल्का सा सुबह को बस धूप आता है, बाकी टाइम यहाँ पे छाँव रहता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।